दोस्तों मेरी यह वीडियो स्पैशल डेडिकेटेड है वो व्याहे हुए जोड़ियां दे लई या उस स्पाउस दे नाल जाण वाले बच्चों के लिए जिहड़े बाहरले मुल्क च पढ़ के सैटल होना चाहते हैं। एक लड़की आपके स्पाउस दे नाल या बच्चों दे नाल कित्थे कित्थे जा सकती है बिना मुश्किलों के बिना रिफ्यूजल झले। ये नवी ऑप्शन है, मैं कोई यूके की गल नहीं करनी, मैं कोई ऑस्ट्रेलिए की गल नहीं करनी, नवी ऑप्शन तुहाडे कोल लैके आया। सत श्री अकाल जी सारे, मैं तो अपना सुखचैन राही आर एस ग्लोबल इमीग्रेशन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम राही हर बार कोशिश रही है कुछ नवा कंटेंट कुछ नवी इनफॉर्मेशन तुहाडे तक सांझी करिए जिन्हों देख के सुन के तुसी अपनी नॉलेज में वाधा कर सको और एक भविख संबंधी सही फैसला ले सको। तो अज की वीडियो जिवें मैं दस्या पहला कि विआहे हुए जोड़ियां नूं डेडिकेटेड रहेगी। एक लड़की आपके स्पाउस के नाल या बच्चों के नाल कित्थे कित्थे जा सकती है बिना मुश्किलों के बिना रिफ्यूजल झले या एक लड़का जिहड़ा स्टूडेंट है अपनी वाइफ अपने बच्चों के नाल परिवार के नाल कित्थे कित्थे पढ़न जा सकता है बिना मुश्किलों के बिना रिफ्यूजल देखे। सो वीडियो ध्यान नाल वेख लिओ, ये नवी ऑप्शन है, मैं कोई यूके की गल नहीं करनी, मैं कोई ऑस्ट्रेलिया की गल नहीं करनी, नवी ऑप्शन तुहाडे कोल लैके आया जो पहला बहुत घट समा बहुत घट बार इस चैनल पर बोली है। उम्मीद करता है वीडियो का कंटेंट चंगा लगेगा, अगर चंगा लगे तो साडा चैनल सबसक्राइब कर लिओ, वीडियो शेयर कर दिओ और आपके सुझाव यानी कि आपके फीडबैक जरूर सानू भेज दिओ। दोस्तों अज गल करांगे यूरोप के उन्हां दो मुल्कां दी उन्हां दो कंट्रीज़ दी जिथे स्पाउस इकट्ठिया नाल जांदा, किते कैनेडा वांगू पहला लड़की उत्थे पहुँच जाए मुड़ के मुंडा साल भर इत्थे कंध नाल टक्करां मार के रोंदा मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, फिर लवप्रीत वर्गे कई सुसाइड केस या कई इहो जिहियां अखबारां च सुर्खियां देखण नूं मिलदियां भी कुड़ी ने वीज़ा लवा के उत्थे जाके मुंडे दी बात नहीं पुछी, या अज वड्डे वड्डे घरां दे विच मैं परिवारक रिश्ते टुटदे तहस नहस हुंदे वेखे आ इन्हां सिर्फ वीज़ियां दे चक्कर करके। आपां पहलां ही वो फैसला लईए जिथे लड़का लड़की यानी कि हसबैंड वाइफ कट्ठे जाण कट्ठे जिंदगी बसर करन ते मुश्किलों तो निजात या मुश्किलों तो छुटकारा पाया जा सके। मैं उन्हां दो मुल्कां की गल करन जा रहा यूरोप दे विच, पहला है स्वीडन दूजा है डेनमार्क। मेरी वीडियो वेख के गूगल पर जाके सर्च जरूर करो, भेड़ चाल च लग के सिर्फ कैनेडा जाना जां सिर्फ यूके जाना जां सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना, इन्हां तिना मुल्कों तो इलावा भी बहुत सारिया होर मुल्कों की ऑप्शन है जिथे आर एस ग्लोबल भेजता, जन कि अज 35 तो उपर मुल्क जिथे आर एस ग्लोबल वालों बच्चे भेजे जाते हैं उत्थे पढ़ के भी चंगा भविख वधिया फ्यूचर बनाया जा सकता। डिपेंड करता तुहाडी क्वालिफिकेशन की है, डिपेंड करता तुहाडी प्रोफाइल की है, डिपेंड करता तुहाडे घर के हालात की है, डिपेंड करता तुहाडे माँ प्यो की जेब च पैसा किन्ना। आ चार ही चीज़ों ध्यान च रखते हुए एक चंगे मुल्क की डिसाइड जी सिलेक्शन करना जरूरी है। सो बिना समा खराब किए गल करते हैं पहला स्वीडन की फिर गल करांगे डेनमार्क की। सो स्वीडन यूरोप का शैनेगन पार्ट, एक क्राइम फ्री कंट्री जिथे बेरोजगारी दर बिल्कुल जीरो है, एंड वो मुल्क जिथे GDP रेशो हमेशा हाई रही है, एंड वो मुल्क जिथे अज तक आर एस गोबल ने 100% जन के 100% वीज़ा बच्चों की झोली पाया, एक सिंगल वीज़ा भी हुण तक रिफ्यूज़ नहीं है। 12वीं पास बच्चा या ग्रैजुएशन पास बच्चा स्पाउस आपके नाल लैके जा सकता, बट प्लस टू पास वाले बच्चे नूं एडमिशन लैण च दिक्कत काफ़ी आउंदी है, इस करके असीं बैचलर डिग्री प्रमोट करते हैं। सो जिहड़ा स्टूडेंट ग्रैजुएट है उन्हूं आइल्स करन दी लोड़ नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट जिहड़ा बीटेक होल्डर है जिन्हें BCA करके MCA कीती है यानी कि IT बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, या BSc IT करके MSc IT कीती है IT बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, पढ़ाई कीते नूं 5, 7, 10 साल हो चुके ने, यानी कि 10 साल के पढ़ाई के गैप तो बाद भी बिना आइल्स किए स्पाउस नूं बच्चों नाल लैके जाया जा सकता। और खूबसूरत गल की है स्पाउस नूं इत्थों पहले दिन तो वर्क राइट्स ने फुल टाइम, इत्थों तुहानूं TRC टैंपरेरी रेजिडेंस कार्ड वीज़े दे नाल इशू होकर जाते हैं। यूरोप मोस्टली वीज़ा मिलता 3 महीने का, उत्थे जाके बच्चा TRC कार्ड अपलाई करता फिर उन्हूं काम करन दे अधिकार मिलते हैं, बट स्वीडन दे विच वीज़ा अप्रूवल तो बाद बच्चा इत्थों ही टैंपरेरी रेजिडेंस कार्ड लैके जाता है। असी हुण तक कई इहो जिहे स्टूडेंट जिच असी गल करिए हरप्रीत कौर की या सिमरनजीत कौर की या रीसेंटली नीतिका की गल करिए, वो स्टूडेंट ने जिन्हां ने 5 तो लैके 10 साल के गैप नाल स्पाउस दे नाल स्वीडन का वीज़ा लिया। सो स्वीडन च बच्चा 1.5 तो 2 साल की मास्टर डिग्री करता, उस तो बाद फरदर उन्हों वर्क राइट्स मिलते हैं, वर्क परमिट मिलता 1.5 तो 2 साल का, बाद अपनी PR भी अपलाई कर सकता। 26 कंट्रियों का एक्सेस फ्री है, एक स्टूडेंट के नाल जिहड़ा स्पाउस है वो किसी होर मुल्क घूमन फिरन जा सकता, वीज़ा लैन की कोई लोड़ नहीं पैंदी, और अगले साल जिहड़ा स्पाउस है वो आपके बलबूते ते आपके बेस के उत्ते भी आपका वीज़ा वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकता। अगले साल स्पाउस उहदा फ्री च पढ़ाई कर सकता, बच्चे उहदे फ्री दे विच एजुकेशन लै सकते हैं। सो बिना आइल्स तो बिना इंटरव्यू तो 10 साल के पढ़ाई के गैप नाल अगर कोई वीज़ा दिंदा मुल्क तो वह है स्वीडन।
और जिद आर एस ग्लोबल का हूँ तक 100% मैं बार बार गल करोड़ बजा के बोल रहा 100% सक्सैस रेट आर एस ग्लोबल का नोट अ सिंगल वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज अज यूके अपलाई करते हो जो ऑस्ट्रेलिया अपलाई करते हो जी टी नहीं क्लीयर होंगे सी ओ ही नहीं आती यूके कैश के लाले पे पे ने इस करके जे बिना मुश्किलों तो बिना मुसीबतों तो बिना चिंता तो एक चंगे मुल्क की भाल चो जिते मियाँ बीवी इकट्ठे जा सकन बिना एल्सो जा सकन स्वीडन इज़ द राइट काइंड ऑफ ऑप्शन दूजा कंट्री डेनमार्क डेनमार्क भी स्वीडन वांगू एक क्राइम फ्री कंट्री है पढ़ाई दे नाल बच्चा काम कर सकता है और सब तो जो प्लस पॉइंट आ जो पूरी दुनिया च किसी मुल्क नहीं दिता अज तक एक 12वीं पास स्टूडेंट जाने कि 18-19 साल की जो कुड़ी की गल करा अगर वो व्याही है तो आपके नाल आपका स्पाउस नाल लैके जा सकती है 12वीं तो बाद ही बट ये आयल्स 6 बैंड कंपलसरी है नॉट लैस दैन 5.5 जिमें स्वीडन आयल्स की लोड़ नहीं डेनमार्क 12वीं पास स्टूडेंट आयल्स या पी टी का होना जरूरी है घट्टो घट 6 बैंड के बराबर 2 to 4 साल का गैप एक्सेप्टेबल है अज 12वीं पास कुड़ी कैनेडा जाए यूके जाए ऑस्ट्रेलिया जाए स्पाउस नाल नहीं जाता यूके बिल्कुल नहीं जाता जो ऑस्ट्रेलिया जाता भी तो 6 महीने बाद जाता उन्होंने भी पार्ट टाइम काम की परमिशन है बट डेनमार्क के स्पाउस नू फुल टाइम काम करने का अधिकार है अंबैसी के इमीग्रेशन रूल के मुताबिक और सब तो वड्डा पॉइंट होर सुन लो पंजाब दे विच फंड दे नाते ठगियां वजदियां हम लेंगे 5% हम लेंगे 8% 2-2.5 लाख रुपये बच्चा कला व्याज ही पे कर दिंदा फंड दे शो कराउण दे नाम च तो मुड़ के पल्ले की पैंदी है रिफ्यूजल लैटर खज्जल खुआरी माँ प्यो की खून पसीने की जी कमाई हुई जी कमाई है वह खूह च पै जाती है कोई फंड दिखाना ही नहीं डेनमार्क दे विच मजाक नहीं कर रहा सच्ची कह रहा डेनमार्क दे विच स्टूडेंट नू फंड शो करन दी लोड़ नहीं पैंदी मुझे लगता डेनमार्क इकलौता यहो जिहा मुल्क होएगा जिहदे च स्टूडेंट नू फंड नहीं शो करने पैंदे कैनेडा च जी आई सी करवाना पैंदा ऑस्ट्रेलिया 3 महीने पुराने फंड विखाने पैंदे यूके 28 दिन पुराने फंड विखाने पैंदे किसी मुल्क 3 महीने किसी मुल्क 6 महीने पुराने फंड विखाने पैंदे ने और लखा रुपया ब्याज दे के बच्चा फंड शो करवाउंदा अंबैसी नू गुमराह करता बेवकूफ बनाउंदा मुड़ के पल्ले रिफ्यूजल लैटर पैंदी है डेनमार्क इहो जिहा कम करन दी लोड़ नहीं पैनी स्टूडेंट पढ़न चलिया उन्हूं कोई फंड शो करन दी लोड़ नहीं पैनी आपकी तुसीं 60% जां 70% यूनिवर्सिटी फीस पे कर दो दैट्स ऑल तुहानूं कोई फंड शो करन दी लोड़ नहीं यस जे स्पाउस नाल चलिया तो उन्होंने तकरीबन 10,000 यूरो के बराबर जन के 8 लाख के लागे छागे फंड विखाने की लड़ है जिद नवे फंड भी एक्सैप्टेबल है अकाउंट कला 1 महीना पुराना चाहिए सो स्पाउस के फंड विखाने की लड़ है 7-8 लाख रुपया स्टूडेंट के कोई फंड शो कराने की लड़ नहीं 12वीं पास जी कुड़ी है या मुंडा है वो आपके स्पाउस को आपकी वाइफ आपके हसबेंड नाल लैके जा सकते हैं 6 बैंड के आर एस ग्लोबल का सक्सैस रेट 100% है रीसेंटली मीनाक्षी वेख लो परिणीता वेख लो जसप्रीत कौर वेख लो ये सारे वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने स्पाउस के नाल आर एस ग्लोबल के कोलों वीजे लए ने इस तो बाद जे कोई स्टूडेंट ग्रैजुएट है वो भी 6 बैंड है अपने स्पाउस नाल लैके जा सकता स्वीडन वांगू स्टूडेंट के फंड शो करने की लोड़ नहीं स्पाउस के दिखाने पैंदे है इन दोनों मुल्कों के सब तो वड्डी प्रॉब्लम की है प्रॉब्लम नहीं कहूँगा एक चंगा पॉइंट भी कहूँगा साल के सिर्फ 2 इनटेक होंगे ने बाकी मुल्कों वांगू खलारा ज़्यादा नहीं गा कि हर एक महीने पढ़ने आ जाओ 1 जनवरी 1 सितंबर ये 2 इनटेक ने पूरे साल दे विच क्योंकि असी केवल पब्लिक अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी अपलाई करते हैं इमीग्रेशन लॉयर के थ्रू अपलाई करते हैं इस करके साडा सक्सैस 100% है स्वीडन का इस टाइम जनवरी 2023 का इनटेक खत्म हो चुका सितंबर 2023 के इनटेक लिए अपलाई करना पड़ेगा अज असी सितंबर च बैठे 2022 स्वीडन अपलाई करना तो सितंबर 2023 का इनटेक मिलेगा हाँ वीज़ा तो जरूर अप्रैल मई च आ जाएगा बट क्लासेस जी शुरू हो सितंबर 2023 च हो बट डेनमार्क पढ़न जाने वाले 12वीं पास वाले स्पाउस नाल लैके जाने वाले हाले भी मौका है 10 सितंबर तो पहले अपलाई कर देंगे तो जनवरी 2023 का इनटेक अवेलेबल है एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 20-30% पढ़ाई की फीस में स्कॉलरशिप भी दे रही ने सो डेनमार्क जिन्हें बच्चे ने पढ़न जाना स्पाउस के नाल 12वीं की या ग्रैजुएशन की 6 बैंड है वो बच्चा जनवरी 2023 के इनटेक लिए अपलाई कर सकता बट 10 सितंबर तो पहले एप्लीकेशन दर्ज करनी पेगी अदरवाइज जाके वारी सितंबर 2023 होनी है सो आ दो मुल्कों की गल अज की गई है जिहड़े बच्चे स्पाउस दे नाल जाना चाहते हैं बिना समा खराब किए बिना पैसा खराब किए 100% वीज़ा लेना चाहते हैं उम्मीद करदा व्याहे हुए जोड़ों लिए वीडियो बड़ी कारगर साबित होएगी चंगी लगी तो अपने दोस्तों भैणों भरावों तक शेयर कर दो एक नवी इन्फॉर्मेशन लैके कैनेडा की अपडेट लैके वीज़ा प्रोसैसिंग टाइम लैके की बदलाव आए हैं अगली वीडियो तुहाडे रूबरू होगा साडा चैनल सबसक्राइब करके रखियो ताकि नोटिफिकेशन ऑन होवे एंड तुहाडे तक पहला वीडियो पहुँच सके और तुसीं उस वीडियो देख के अपने आप नूं सियाणा कर सको मिलते हैं एक नवी वीडियो के नाल ज्यों दे वास्ते रब रखा सत श्री अकाल।